नमस्कार, बीएनएन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार हरीश। लोकसभा चुनाव की तारीख है, जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे चुनाव को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर तरह की कोशिश करने में जुटी हुई है। बालाघाट सिवनी संसदीय सीट को लेकर वारा सिवनी में आयोजित युवा संसद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कैलाश विजयवर्गीय ने कार्यक्रम में अपने चित परिचित अंदाज में कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद किया। वहीं मौजूद जन समुदाय से सवाल लेकर चुटकीले अंदाज में जवाब देने से यहां माहौल खुशनुमा कर दिए। कार्यक्रम में मोदी की योजनाओं का बखान करते हुए एक बार फिर मोदी को लाने का मूल मंत्र भी दिया गया। वाराणसी मुख्यालय के वीरांगना अवंतीबाई मैदान में लोकसभा से पूर्व युवा संसद कार्यक्रम किसी शक्ति प्रदर्शन से कम नहीं रहा। यहां वर्तमान सांसद बोध सिंह भगत, पूर्व कैबिनेट मंत्री गौरी शंकर बिसेन, भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे, विधायक और पूर्व विधायक समेत कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यहां एक ओर जहां युवा प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे ने युवाओं में जोश भरकर एक बार फिर मोदी को लाने पर जोर दिए, वहीं भारतीय जनता पार्टी युवा नेत्री मौसम हरिन खेड़े ने भी देश की जनता को मोदी की आवश्यकता पर अपनी बात रखी। कार्यक्रम में सांसद और पूर्व कैबिनेट मंत्री ने भी युवाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए लोकसभा चुनाव में युवाओं की भागीदारी को अहम बताया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैलाश विजयवर्गीय ने कार्यकर्ताओं से देश के मामले में संसद की तर्ज पर सवालों का जवाब देते हुए बताया कि पश्चिम बंगाल में हालात चिंताजनक है, यहाँ लोकतंत्र नहीं बचा हुआ है। यहाँ के हालात बदलने के लिए भाजपा ने उन्हें जिम्मेदारी दी है और इस बार कमल खिलाकर पश्चिम बंगाल में बेहतर हालात बनाने की वो पूरी कोशिश करेंगे। अगर हमको मिल जाएगा तो हम हाथ मिलाएंगे, आओ यार चाय पियो। और कभी हम मंत्री थे तो कांग्रेस के कई लोग आते थे, जैसे यहाँ के जो भी मंत्री बने हैं पूछेगा कभी उनसे, वो मेरे पास आए हो तो मैंने कभी काम के लिए बना ही नहीं किया, हम करते ही नहीं। राजनीति सोजन नेता एक शब्द है, राजनीति में सोजन नेता, हमारे यहाँ राजनीति में सोजन नेता है। आप विश्वास करेंगे पश्चिमी बंगाल में विरोधी दल का व्यक्ति मिल जाता है, विशेषकर सत्ताधारी दल का, तो देख के इधर का मुंह कर लेता है। अपन आवाज दो, अरे क्या भाई मंत्री जी बात तो कर लो, तो चारों तरफ देखता है कि कहीं ममता जी के लोग सिपाही भाई तो नहीं देख रहे मुझे, मेरे से हाथ मिलाने से मंत्री का पद चला जाएगा तो उसका मतलब। इतना विरोधी को, विरोधी से लोग डरते हैं, राजनीतिक सौजन्यता नहीं है। और डेमोक्रेसी तो है ही नहीं,